हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से ही दो बड़े मैच को कंफर्म किया हुआ है, जो कि ब्रांड इनविटेशन की वजह से दिखाई देने वाला है। अब और क्या क्या दिखने वाला है हमें आने वाले रॉक के इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो WWE ने इस एपिसोड के लिए अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस वर्सेस आइकॉनिक के 20 टैग टीम टाइटल के लिए मैच अनाउंस किया हुआ है। अब हाल ही में रॉके एपिसोड में आइकॉनिक ने एंट्री करके अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस को इंटरप्ट करा था और चैंपियंस को नॉन टाइटल मैच में हरा भी दिया था। अब यहाँ बदला लेने का टाइम अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस पर है, बट मुझे लगता है कि इस मैच का एंड काउंट आउट या नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से होगा। ऐसा करके WWE दोनों टीम को क्लीन लॉस से बचाएगी। उम्मीद है WWE अभी इस फ्यूड को बैकलैश तक तो जरूर खींचेगी। अब बात करें न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का की, तो बैकलैश के लिए उनको अपोनेंट की जरूरत है। अब करंट में वुमेन्स डिवीजन में बड़ी हील सुपरस्टार शायना बेजलर और नाया जैक्सी हैं, तो आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि नाया जैक्स या शायना बेजलर आके आस्का की पार्टनर कायरी सेन पर अटैक कर दें। वहीं WWE आस्का को अब बैकी लिंच के जाने के बाद बेबी फेस के तौर पर दिखाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि WWE नाया जैक्स या शायना बेजलर के साथ फ्यूड की शुरुआत कर देगी इसी एपिसोड से, जिससे आस्का का मैच बैकलैश में हमें दिखाई दे सके। जैसा कि लास्ट वीक के एपिसोड में हमने बैक स्टेज और रिंग में ऑस्टिन थ्योरी की जेलिना वेगा के ग्रुप के साथ टेंशन दिखाई दी थी, अब शायद ये टेंशन स्पेशली गार्जा के साथ है। अब इस एपिसोड में हो सकता है कि थ्योरी खुद इस फैक्शन को छोड़ देंगे या हो सकता है कि जेलिना वेगा उन्हें बाहर निकाल दें और उसके बाद थ्योरी NXT चले जाएंगे। वैसे भी ऑस्टिन थ्योरी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मेन रोस्टर में दिखाई दिए थे। तब लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि बॉबी लैशले ने खुद को MVP के साथ अलाइन कर लिया है और बॉबी लैशले ने R-Truth पर आके अटैक भी करा था। इसके बाद सेंस बनता है कि R-Truth और बॉबी लैशले का फेस ऑफ इस एपिसोड में हो सकता है, और क्या पता इस एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच मनी इन द बैंक PPV का रीमैच ही देखने को मिल जाए, जिसमें बॉबी लैशले की ही जीत होती दिखाई देगी। वहीं जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीक देखा था कि WWE ने रे मिस्टीरियो अलिस्टर ब्लैक को सेथ रॉलिंस मर्फी के खिलाफ बुक करा था, जिसमें सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो पर अटैक करा, फिर उनसे वो बैक स्टेज जाके सॉरी बोलने गए, तो वहां अलिस्टर ब्लैक और मर्फी भिड़ गए थे। अब जब ऐसा हुआ है तो WWE इन दोनों के बीच आने वाले इस एपिसोड में मैच करा सकती है। अगर ऐसा होगा तो जीत यहाँ अलिस्टर ब्लैक की होती हुई दिखाई देने वाली है और दोनों के बीच जबरदस्त मैच दिखाई देगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अब देखिए, लास्ट वीक हमें रॉ पर रैंडी ऑर्टन और एज दोनों दिखाई दिए थे, जहां रैंडी ऑर्टन ने आके एज को रेगुलर मैच के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसका एज ने कोई आंसर नहीं दिया था। अब जाहिर सी बात है एज इसका आंसर यस में ही देने वाले हैं। WWE थोड़ा इनके बीच जो कुछ भी दिखाएगी उसे खींचेगी, क्योंकि बैकलैश PPV में अभी टाइम है। वहीं WWE ने ब्रांड इनविटेशन के चलते ड्रू मैकइंटायर वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच इस एपिसोड के लिए मैच कंफर्म किया हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि कॉर्बिन स्मैकडाउन के हील सुपरस्टार हैं। अब ये दोनों फॉर्मर टीम पार्टनर भी रह चुके हैं। वहीं मैच को काफी सॉलिड दिखने वाला है इन दोनों के बीच, और जीत यहाँ ड्रू मैकइंटायर की होने वाली है। उनके हारने का कोई चांस नहीं है, वो भी रॉ के एपिसोड में। ड्रू मैकइंटायर काफी अग्रेसिव दिखाई देंगे किंग कॉर्बिन के अगेंस्ट। अब इन सबके अलावा देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि AJ स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, इन सभी सुपरस्टार का बैकलैश PPV के लिए क्या बिल्डअप दिखाती है WWE। हो सकता है कि ये इस PPV में ना ही दिखाई दें। तो ये सब कुछ होता दिखने वाला है हमें रॉ के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।